स्वागत है, देखते आज की बड़ी खबर। खदान में डूबी कार, दो युवकों की मौत, तीन जख्मी। नागपुर अमरावती राष्ट्रीय महामार्ग पर कायरोज होटल के सामने शुक्रवार की देर रात करीब 1 बजे चालक का कार से नियंत्रण छूटने के कारण गाड़ी सड़क किनारे स्थित खदान में डूब गई। इसमें कार चालक और उसके पास सामने की सीट पर बैठे एक अन्य युवक की डूबने से मौत हो गई है, जबकि अन्य पीछे की सीट पर बैठे तीन लोग जख्मी हो गए। देर रात पार्टी कर लौट रहे थे अविनाश एवं अन्य दोस्त, कम से कम 15 दोस्त। यह एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में गोंड खैर स्थित एक होटल में पार्टी के लिए गए थे। 3-4 कार में पहुंचे थे। वहां उन्होंने शराब पी, खाना खाया, अन्य लड़कियां भी शामिल थी। पार्टी 1 बजे खत्म हो जाने के बाद सभी अलग अलग कारों में घर लौट रहे थे। अविनाश मिश्रा ने भी शराब पी थी। इसी हालत में वह कार चला रहा था, तभी अमरावती नागपुर राष्ट्रीय महामार्ग कायरोज होटल के सामने अविनाश का अचानक संतुलन बिगड़ गया। सड़क किनारे करीब 3-4 पलटी खाकर खदान के पानी में घुस गई कार। बताया जा रहा है कि इसके बाद कार के दरवाजे लॉक हो गए। अविनाश मिश्रा और अविनाश पटाले की मौत डूबने से हुई है, बाकी दोस्त भाग गए। हैरत की बात यह है कि अविनाश के पीछे से आ रहे बाकी दोस्तों ने इन्हें बचाने की कोई कोशिश नहीं की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार दुर्घटनाग्रस्त होते ही पीछे बैठे दोस्त वहाँ से भाग गए। कायरोज होटल के मालिक ने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी। वाड़ी के अस्पताल में घायलों को ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने अविनाश और अविनाश पटाले को मृत घोषित कर दिया। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें, और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।